हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ऐसे दो मल्टीबैगर स्टॉक्स के चार्ट जो आगे चल कर के बनने वाले हैं मल्टीबैगर स्टॉक्स। और दोस्तों जानते हैं इनके टारगेट्स क्या होंगे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि इनकी प्राइस रेंज क्या होगी। तो दोस्तों जो पहला स्टॉक्स रहेगा हमारा वो रहेगा एस्ट्रा माइक्रो। दोस्तों एस्ट्रा माइक्रो का हमारा जो पहला स्टॉक रहेगा, इसके चार्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। चार्ट के बारे में पहले हम स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट 15 सालों से, मीन्स लास्ट 15 सालों से ये साइडवेज चल रहा था स्टॉक्स, और अपने इन्वेस्टरों को कोई भी पैसे कमा के नहीं दिया था दोस्तों ये। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है इस स्टॉक में? दोस्तों इसमें पहले बार ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीबैगर चार्ट बनने जा रहा है और ऐसा रिटर्न देगा दोस्तों, ऐसा रिटर्न देगा अगर ये यहाँ से निकल गया तो, जिस रेंज पे मैं बताऊँगा तो हमको बना देगा करोड़पति दोस्तों। तो इसका जो टारगेट होगा उसके बारे में बात करेंगे बाद में, पहले इसकी प्राइस रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला गोल राउंड, यहाँ पे आप इस प्राइस रेंज के अंदर आपको बाई करना है, मीन्स बाइंग रेंज रहेगी इसकी 110 से 140 के बीच में आप बाई कर सकते हो दोस्तों। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इसके नीचे का रहेगा, तो आप इसको स्टॉप लॉस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें इसमें, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि ये यहीं से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ जाए, हमें तो यहाँ पे चाहिए यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे और इसके बीच में हम इसको बाय करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके टारगेट्स की। इसका जो टारगेट्स है वो दोस्तों, अगर ये चल निकला यहाँ से तो 1.5 साल से 2 साल के अंदर ही ये 10 गुना पैसा बना देगा दोस्तों। इस बात पे बिलीव रखिए, क्योंकि यहाँ से अगर ये चलेगा तब भाई, पर आपको यहाँ से स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ नहीं करना और यहाँ पे इसके चलने का वेट करना है। जैसे ये निकल गया तो सोचो आपके 10 गुना चुटकियों में बन जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर। दोस्तों हमारा जो सेकंड चार्ट है वो रहेगा हिंडाल्को। दोस्तों हिंडाल्को जो कंपनी है इसका हमारा दूसरा चार्ट है जो मल्टीबैगर चार्ट रहेगा। इस चार्ट के बारे में हम बता देते हैं, ये एक साइडवेज में काम कर रहा था दोस्तों लास्ट 20 सालों से, इसने कोई रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टरों को। आप सोच सकते हो अगर ये यहाँ से चल गया तो यहाँ कितना रिटर्न बनेगा। पहले तो इस स्टॉक्स के बारे में बता देता हूँ, इस स्टॉक्स को मैंने आज से 2-3 महीने पहले ही इसको इस प्राइस रेंज पे बाई करने के लिए बोल दिया था दोस्तों। मैंने 200 रुपये के आसपास इसको बाई करने के लिए बोला था, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट किया था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 12 नवंबर का पोस्ट है, यह स्टॉक है, ये 12 नवंबर की पोस्ट है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर था और इसको 205 रुपये के आसपास हमने बाई कराया था। यहाँ से आप देख सकते हो, और इसका जो स्टॉप लॉस था 153 का दिया था, और जो इसका टारगेट था सबसे मेन चीज़ था उसको हमने बोला था ओपन रखना है दोस्तों टारगेट को। और दोस्तों अभी देख रहे हो इसका क्या हो रहा है सीन, ये भाग रहा है स्टॉक। अभी के लिए बात करेंगे इसको कौन सी प्राइस पर बाई करना है अगर हम बाई करना चाहें तब, और उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस स्टॉक को, अब हमें बाई करना हो तो कौन सी प्राइस के अंदर बाई करना है। तो दोस्तों इसको अभी जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर तो आपको कभी भी नहीं लेना, क्योंकि ये गरम गरम स्टॉक है, आपके हाथ भी जला जाएगा और आपको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ पे हमें एंट्री लेना है। तो अगर मार्केट गिर रहा हो, मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शन चल रही हो, तब इस स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावट आए लगभग 300 रुपये के आसपास, तब हमें बाई करना है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 205 के आसपास का, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब। और इसमें जो टारगेट रहेगा वो भी दोस्तों आपके 2 से 3 साल के अंदर ही मल्टीबैगर रिटर्न बन जाएंगे दोस्तों, मल्टीबैगर आपके पैसे बनेंगे यहाँ से। पर आपको ध्यान रखना होगा, जो ध्यान रखने वाली बात है यही है, आपको 300 रुपये के आसपास ही इसको बाई करना है जब इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।